मुंबई के मझगांव बोरीमंडल रेलवे यार्ड में खड़ा ये वंदे साधारण एक्सप्रेस का चमचमाती हुई LHB रेक, चलिए इसके अंदर चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं स्लीपर क्लास। तो ये रही भाई कुछ स्लीपर क्लास का ऐसा नजारा है। सबसे पहले आप लोग इनका गैलरी को देखिए, उसके बाद देखिए सिटिंग अरेंजमेंट, देखिए क्या लाजवाब किया है वंदे साधारण एक्सप्रेस का। आप लोग देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद वंदे साधारण एक्सप्रेस जो आम पैसेंजर के लिए, गरीब तबके के पैसेंजर के लिए काफ़ी आरामदायक होने वाला है और इनका किराया आप लोगों को सुपर फास्ट की तरह ही कम होने वाला है और वंदे भारत एक्सप्रेस से काफी कम होने वाला है। बात करें इस रेक को, इस रेक्स को ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में क्रिएट किया गया है जिनका कुल लागत 65 करोड़ आया है। इस ट्रेन का मॉडल वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह ही है, इसलिए ये अफवाह है, ये वंदे साधारण एक्सप्रेस है। इंडियन रेलवे इस ट्रेन को अलग नाम भी दे सकती है और अभी कोई प्रमाणित नाम इनका नहीं है। देखने में वंदे भारत की तरह ही लगता है, इसलिए इनको भी वंदे भारत साधारण एक्सप्रेस हम लोग जानते हैं। लोगों में अफवाह है, जिधर से ये गाड़ी गुजरी है उधर लोग टकाटक देखते ही रह गए हैं कि ये नई LHB रेक चमचमाती हुई लाल रंग की गाड़ी है आखिर है क्या। और यह ट्रेन जो है 130 किलोमीटर अधिकतम स्पीड से चल सकती है और माना जाए तो 100 किलोमीटर के एवरेज स्पीड इनका रहने वाला है और 22 कोच होंगे, इसमें 12 कोच स्लीपर के होने वाले हैं और 2 कोच लगेज के लिए होने वाले हैं और बाकी के सारे कोच जनसाधारण के लिए होने वाले हैं, मतलब जनरल बोगी होने वाले हैं। लोगों को लगा था मोदी सरकार सिर्फ वंदे भारत एक्सप्रेस को ही लॉन्च कर रहे हैं, जो एक अमीर तबके के लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं और काफ़ी आरामदायक वंदे भारत एक्सप्रेस होता है और था, और उसी आरामदायक को अब वंदे साधारण एक्सप्रेस में गरीब के लिए उतार दिया है मोदी सरकार। SCF से निकलने के बाद ये ट्रेन डायरेक्ट जो है मुंबई पहुंचा और मुंबई के मझगांव बोरीबंदर के यार्ड में अभी खड़ी है और वहीं से इसका निर्धारण होना है कि किधर ट्रायल होगा और किधर इसका जो है इनोग्रेशन। रेलवे बताया है कि इसका फर्स्ट प्रस्तावित रूट जो है ये मुंबई से प्रथम दिल्ली के लिए जो है फर्स्ट बार इसका चयन किया जाएगा, बट अभी ये फिक्स नहीं है कि इसी रूट पे प्रथम बार वंदे साधारण एक्सप्रेस को दोहराया जाएगा। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में, जो भी इन्फॉर्मेशन इंडियन रेलवे की तरफ से वंदे भारत एक्सप्रेस और वंदे साधारण एक्सप्रेस को लेकर के निकलती है मैं तुरंत आप लोग को अपडेट करूंगा। हमारे चैनल पर आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक।